हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में और मेरे चैनल पर भी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर 4.6, जैसा कि आप सर्किट देख रहे हैं 4.6, द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम रेजिस्टर्स, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है 5 ओम रेजिस्टर में इज 10 कैलोरीज पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, द हीट प्रोड्यूस इन 4 ओम रेजिस्टेंस विल बी, मतलब कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में, कि आपको जो 5 ओम रेजिस्टर है इसमें आपको कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 10 कैलोरी पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। मतलब रेजिस्टेंस 5 में इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपको निकालना है कि 4 ओम रेजिस्टेंस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, तो ऐसा तो कोई ये नहीं है। निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं कि हम इस सर्किट में हम निकाल लेते हैं कि कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। तो किसके मदद से निकाल सकते हैं कि इस सर्किट में हम अगर यहाँ बना लें, अगर हम इस सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करना चाहें तो हम कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज सप्लाई मिल रहा था सर्किट को, तो उसके मदद से हम निकल जाएगा ये वाला हीट। तो कैसे निकलेगा, तो ये वोल्टेज निकालने के लिए कि कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है सर्किट में, इसका और इसका मदद लेंगे और निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो 5 ओम रेजिस्टेंस में 5 ओम जो रेजिस्टर है उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 कैलोरी पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो रहा है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, वी नो डैट अगर किसी भी रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वी के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से एच हमको तो दिया हुआ है 10, ठीक है, आर इक्वल टू वी स्क्वायर कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर क्या निकल जाएगा, 10 गुना में 5, ये हो जाएगा 50 वोल्ट्स हमारा निकल जाएगा। तो यही जो पावर रेटिंग है यहाँ पर फ्रेंड्स, यही हमारा क्या हो गया है, ये हमारा भी निकल गया है √50 वोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यही निकल गया। तो ये देखो, ये जो 50 वोल्ट्स निकला है, तो ये रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस, इस 50 वोल्ट √50 वोल्ट्स के क्या पैरेलल में है, तो दोनों तीनों रेजिस्टेंस के लिए, इसके लिए भी यही सेम वोल्टेज और इस दोनों के लिए भी क्या यही सेम वोल्टेज रहेगा। हाँ, इस दोनों के लिए सेम वोल्टेज तो अभी रहेगा, लेकिन फिर ये क्या है, इस दोनों के लिए सेम वोल्टेज रहेगा कितना, वी इक्वल टू √50 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर आते ही फिर इसमें इसमें और इसमें ये वाला जो है टूटेगा। तो हम बाय वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं, कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, कि मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस, और पैरेलल में जब तक था तो रेजिस्टेंस मान लेते 4 ओम, ये रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ 6 ओम, यहाँ जो वोल्टेज आया इसके अक्रॉस में कितना आ गया टूट के, तो यहाँ पर आ गया इस दोनों के अक्रॉस में पैरेलल में आ गया 50 वोल्टेज आ गया।
ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। लेकिन अब ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो करवाएगा ये, और यहाँ सीरीज में तो इसमें भी करंट आई और इसमें भी करंट आई फ्लो होगा। लेकिन इसका वी वन एक अपना पावर वोल्टेज होगा, इसका अपना वोल्टेज होगा। अगर हम वोल्टेज फाइंड कर ले इसका वोल्टेज, तो हम आराम से इसमें हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो निकाल सकते हैं ना। तो वोल्टेज निकालने के लिए बाय वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या जानते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर हम वी वन में निकालना चाहते हैं, मतलब आर वन में या आर फोर कर लेते हैं, 4 ओम है ठीक है, आर 4 ओम, तो क्या हो जाएगा टोटल वोल्टेज गुना में जिस रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं। तो 4 ओम में निकालना चाहते हैं और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 ठीक है। तो भी हमारा कितना है फ्रेंड्स, 50 × 4/10 ये आ गया। तो हमारा भी जो है 4 ओम में कितना आ गया, 4√50/10 ये हमारा वोल्ट्स आ गया। जब हमको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है कितना 4 ओम है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, तो हीट इक्वल टू हम क्या जानते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। तो हीट इक्वल टू वी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर भी माने हम लोग, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, पीएम क्या माने हैं, 4√50² / r कितना है 4। आप इस डाटा को सॉल्व करो, आई होप आंसर आ जाएगा। तो 16 × 50/4 ठीक है फ्रेंड्स। इससे इसको काटोगे तो 4, ये आपका क्या आ जाएगा 200 हीट ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा क्या आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहीं मिस्टेक किए होंगे। मिस्टेक चलिए ढूंढते हैं, तो मिस्टेक मिल गया है फ्रेंड्स। मिस्टेक है यहाँ पर, इसका मान वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस R4 में इतना हो रहा है ना, / 10 भी तो हो रहा है, और हम लोग यहाँ वोल्टेज का मान क्या पुट करे हैं, सिर्फ इतना ही पुट किए हैं, / 10 नहीं किए हैं। यहाँ पर क्या होगा, / 10 हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स, बाय होल आ जाएगा। अब देखिए आ जाएगा, हम अगर करते हैं, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, तो / 10 अगर लेते हैं तो 16 × 50/ इतना और 4 आ गया ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2 बार में ये इससे काट देगा, चरखा 2 बार में इतना ठीक है कैलोरी पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा हीट का, कि जो रेजिस्टेंस है 4 ओम में उसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 2 कैलोरी पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यही आपका क्या है आंसर है ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में आप टिक कर लेना, आपका यही आंसर रहेगा। तो वीडियो का सॉल्यूशन, अगर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक करो, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड में शेयर कर सकते हो, 3 फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।